भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से वीर बलिदानी हेमू कालानी के जन्म शताब्दी अवसर पर निकलने वाली रथ यात्रा के बारे में चर्चा की। भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की ओर से हेमू कालानी जन्म शताब्दी पर राज्य भर में निकलने वाली जन जागरण रथ यात्रा के स्वागत कार्यक्रम को लेकर शनिवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने की। बता दें, हेमू कालानी जन जागरण यात्रा जयपुर से प्रारंभ होकर 19 दिसंबर को अजमेर में प्रवेश करेगी व 20 दिसंबर को पाली होते हुए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। इस मौके पर रथ यात्रा संयोजक नरेंद्र सोनी ने बताया कि वीर सपूत हेमू कालानी जन जागरण रथ यात्रा की अगुवानी संत महात्माओं द्वारा की जाएगी। यात्रा में मातृशक्ति, युवा व सामाजिक कार्यकर्ता दो व चार पहिया वाहनों पर भगवा पताका लेकर चलेंगे। वहीं रथ यात्रा का अजमेर के विभिन्न संगठनों, पंचायतों, स्कूलों द्वारा स्वागत किया जाएगा। भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की आज एक बैठक स्वामी कॉम्प्लेक्स के रसोई बैंकेट हॉल में सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभा के महानगर के समस्त पदाधिकारी व अजमेर में सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सम्मिलित होकर के भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से वीर बलिदानी हेमू कालानी के जन्म शताब्दी अवसर पर निकलने वाली रथ यात्रा के बारे में चर्चा की। रथ यात्रा जयपुर से प्रारंभ होकर 19 दिसंबर को प्रातः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर पहुंचेगी, जहां पर मातृशक्ति की ओर से स्वागत किया जाएगा। इस रथ यात्रा में प्रदेश से आने वाले पदाधिकारियों व सम्मिलित होने वाले संतों महात्माओं का स्वागत सत्कार करने के पश्चात वाहन रैली के रूप में यह रथ यात्रा जिलाधीश कार्यालय बशिष्ठ चौराया होते हुए जिला परिषद सूचना केंद्र आगरा गेट पहुंचेगी। वहां से नया बाजार चौपड़ होते हुए चूरी बाजार नीचे उतरेगी और वहां से मुख्य डाकघर होते हुए मदार गेट के अंदर प्रवेश करेगी। मदार गेट से क्लॉक टावर होते हुए पानदरीबा से वापस आगे बढ़ते हुए मैजिस्टिक सिनेमा, आदर्श विद्यालय पड़ाव, डिग्गी चौक, हेमू कालानी चौक पर वहां भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित व हेमू कालानी के मूर्ति पर माल्यार्पण पर के पश्चात डिग्गी तालाब, हालानी दरबार होते हुए नसरपुर झूलेलाल मंदिर के आगे नानक का बेड़ा, जहां पर पारब्रह्म दरबार आनंद आश्रम से तिलोक नगर की तरफ मुड़ कर के आशागंज, निरंकारी भवन, चांद बावड़ी होते हुए इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर से आगे बढ़ते हुए हासीबाई धर्मशाला, संत कंवर राम उच्च माध्यमिक विद्यालय और राधा स्वामी सत्संग चौराया से अविनाश माहेश्वरी विद्यालय के मुख्य मार्गों से होते हुए अजयनगर में प्रवेश करेगी। अजयनगर के मुख्य मार्ग में बालाजी मंदिर, शिव मंदिर से होते हुए पवित्र तीर्थ सनातन आश्रम, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम पर समाप्त होगी, जहां पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश पदाधिकारी व संतों महात्माओं के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।